मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। हम हमारी पुस्तक में पढ़ रहे थे पार्ट दो, परिश्रमी चींटियाँ। तो कल हमने उसके कल लिखे थे सही विकल्प। अब आज क्या पढ़ेंगे, वाक्यों को पूरा कीजिए। तो सब अपनी हिंदी की बुक निकाल लीजिए। तो कल हमने लिखा था किसने किससे कहा, आज पढ़ेंगे वाक्यों को पूरा कीजिए। किन शब्दों से हमें पूरा करना है, बंदर, बिल्लियों, परिश्रमी, बिल्लियां, बांटकर। अब पहला वाक्य क्या है, चिड़ियों की रानी बहुत थी। तो चींटियों की रानी बहुत क्या थी, परिश्रमी। तो इसमें क्या लिखेंगे, परिश्रमी, परिश्रमी, परिश्रमी। आपस में लड़ रही थी, कौन रही लड़ रही थी आपस में, बिल्लियाँ। तो बा में छठी की मात्रा बी, आधा ला, फिर ला में छठी की मात्रा ली और या और चंद्र बिंदु, तो बिल्लियाँ आपस में लड़ रही थी। रोटी छीन कर ले गया, कौन ले गया था रोटी छीन कर बिल्लियों से, बंदर। ब आधा ना दर, बंदर, बंदर लिखिए इसमें। चींटियाँ सब कुछ मिल देश खाती थी, तो चींटियाँ सब कुछ मिल बांट कर। तो बामिया की मात्रा चंद्र बिंदु, ट कर, बांट कर खाती थी। तो चींटियाँ सब कुछ मिल बांट कर खाती थी। रानी चींटी की बात सुनकर ने सिर झुका लिया, तो रानी चींटी की बात कर किन्ने सिर झुका लिया था, बिल्लियों ने। तो बी अधल्ला, लामे छिड़का था ली, यामे ओ की मात्रा यो, बिल्लियों। तो इसमें भरिए बिल्लियों। पहले में क्या लिखा आपने, परिश्रमी, ये लिखा है परिश्रमी। दूसरे में क्या लिखा, बिल्लियां। तीसरे में क्या लिखा, बंदर। चौथे में क्या लिखा, बांट कर। और पांचवे में क्या लिखा है, बिल्लियों। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। चींटी बहुत आलसी थी, चींटी आलसी थी क्या, आलसी थी क्या चींटी, गलत। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, गलत। दोनों बिल्लियाँ आपस में लड़ रही थी, सही बात है। दोनों बिल्लियाँ आपस में क्यों लड़ रही थी, रोटी के लिए। तो ये क्या है, सही। तो यहाँ पर सही का चिन्ह लगाएंगे। क्या है, शेर ने बिल्लियों की रोटी छीन ली थी। बिल्लियों की रोटी किसने छीनी थी, बंदर ने। तो इसका क्या आएगा, गलत। सब शीघ्र ही मीठे पहाड़ के पास पहुंच गए, सब चींटियां मीठे पहाड़ के पास पहुंच गई थी, सही। बिल्लियां सब कुछ मिल बांट कर खाती थी, गलत। बिल्लियां आपस में लड़ती थी, मिल बांट कर कौन खाती थी, चींटियां। निम्न अब लिखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोनों बिल्लियाँ क्यों लड़ रही थी, क्यों लड़ रही थी, दोनों बिल्लियाँ लिखो, दोनों बिल्लियाँ एक रोटी के लिए लड़ रही थी। एक रोटी थी और दो बिल्लियाँ थी, आपस में लड़ाई करके खाना चाह रही थी। रास्ते में रानी चींटी को क्या मिला, तो लिखिए रास्ते में रानी चींटी को मीठा पहाड़, मीठा पहाड़ क्या था, बर्फी मिला। लिखिए रास्ते में रानी चींटी को मीठा पहाड़ मिला। अब नेक्स्ट लिखिए, रानी चींटी बहुत सी चींटियों को क्यों बुला लाई, क्यों बुला के लाई थी, क्योंकि वह, देखो क्योंकि वह अकेले पहाड़ को अकेल नहीं पा रही थी। कौन से पहाड़ को, मीठे पहाड़ को। तो मीठा पहाड़ क्या था, वो बर्फी का जो टुकड़ा था वो क्या था, मीठा पहाड़। रानी चींटी ने बिल्लियों से क्या कहा, रानी चींटी ने कहा कि अगर तुम
मेरी बात मानती तो मिल बांट कर रोटी खा लेती। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, वाक्य पूरे करिए और सही गलत और प्रश्नों के उत्तर। अब कल हम अपनी CW कॉपी में इन सबको लिखेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।